EBIT. Serial number A will be EBIT, that will be 50,000. Your B part will be interest, jiska calculation hoga 2 lakh into 10% 20,000. C will be EBT or NI, and that will be A minus B, which comes to 30,000 rupees. Very good. And D will be your KE. KE kitna diya hai? 12.5%. So E will be value of equity S is equal to NI divided by KE. Kitna aayega? 30,000 divided by 12.5%. 2 lakh. 2,40,000. And F will be value of debt, D given hai wo to. So bracket mein given likh denge. Ya chalo given. Kitna given hai? 2 lakhs given hai. And finally G will be V is equal to S plus D. 4,40,000. And last line H, K is equal to A divided by G into 100. 11.36%. Correct answer? Sabhi ka answer correct hai? Very good. अब तक क्या पढ़ाया सर ने? कुछ नहीं पढ़ाया, बस होमवर्क का जो पार्ट था वो यहां पर सॉल्व किया. होमवर्क था वैसे भी, वो तो आपने ही करना चाहिए था. मैंने तो एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, ऐसा सोचो यूट्यूब वालों, और चलो जुड़ जाओ अभी. ठीक है, तो 11.36 इज द करेक्ट आंसर. ऑल ऑफ यू गॉट द सेम आंसर. नाउ 14th क्वेश्चन आपका होमवर्क था. इसमें सेम स्टेप्स चार फर्म के लिए करने थे, एट द सेम टाइम करना था चार फर्म के लिए. तो शुरुआत करेंगे ईबीआईटी से. ए पार्ट विल बी ईबीआईटी. 2 lakhs, 3 lakhs, 5 lakhs, 6 lakhs. Then B part will be interest. Interest amount is given to you 20,000. 60,000. 2 lakh rupees. 2,40,000 rupees. Then it will be EBT or NI. A minus B. 1,80,000. 2,40,000. 3 lakh rupees. And 3,60,000 rupees. सही है कि नहीं? वेरी गुड. अब आपके पास एनआई तक आंसर आ गया है. आप अगर डी पार्ट में के ही यूज कर लोगे, जो कि यहां पर गिवन है, हर एक के लिए अलग है. फर्स्ट केस में 12, 16%, 15%, 18% आया. तो फिर ऐसे केस में एनआई डिवाइडेड बाय के ही कर आपका मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा. एस एस इज इक्वल टू एन आई डिवाइड बाई के, मतलब ही सी डिवाइडेड बाय डी बोलेंगे. सी डिवाइडेड बाय डी, सही है क्या? फर्स्ट केस 15 लाख रुपीस, फिर से 15 लाख, 20 लाख, एंड फिर से 20 है. एफ विल बी डेट का वैल्यू. डेट का वैल्यू इज नथिंग बट बी डिवाइडेड बाय कितना परसेंट? 10%. बी डिवाइडेड बाय 10%. वाई 10%? केडी है वो, केडी कॉस्ट ऑफ डेट. तो इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय केडी करोगे तो डेट का वैल्यू आएगा. आपका डेट का वैल्यू आता है 2 लाख रुपीस, 6 लाख रुपीस, 20 लाख रुपीस, 24 लाख रुपीस. एंड
जी पार्ट विल बी वी इज इक्वल टू ई प्लस एफ, करेक्ट, एस प्लस डी हो गया वो, समझा। इट विल बी इन दोनों का एडिशन 17 लाख 21 लाख 40 लाख्स एंड 44 लाख्स आ गया। एंड फाइनल आंसर आपका क्यू, क्यू इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, ए डिवाइडेड बाय जी इंटू 100। योर आंसर कम्स टू 11.76%, 14.29%, then 12.5%, 13.64%। Is this correct? सभी का आंसर सही है क्या? Very good, super, जबरदस्त। दोनों होमवर्क करने वालों के लिए नाउ आपके दोनों होमवर्क हो चुके। अब हम इधर ध्यान दो भाई, पीछे ध्यान मत दो, टाइम पास मत करो, इधर ध्यान दो। क्या चाहिए आपको, पानी वानी कुछ पीना है? इधर ध्यान, ठीक है नाउ। हाँ बस खिड़की के पीछे कुछ जाओ, चाय मिल जाती। नाउ आपके चार अप्रोचेस हमने कवर किए, मतलब कल बात किए थे, एनआई ट्रेडिशनल, एनओआई, एमएम अप्रोच, एक अप्रोच हमारा डिस्कस करके हो गया है। अब आपको थोड़ा सा एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन दिखाकर फिर दूसरे अप्रोच पे ले जाऊंगा मैं। पहले ऑर्डिनरी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको बस कॉमन सेंस की जरूरत गिरेगी। किस चीज की? कॉमन सेंस की जरूरत गिरेगी, बाकी कुछ नहीं। तो आप लोग सब जो सबसे इजी कैटेगरी के क्वेश्चन है, उस पर आओगे आप। All of you come to question number 13. 13th question. मैडम बात मत करो, फर्स्ट बेंच पे बैठे आप। 13th question पे आ जाओ। 13th question पे आ जाओ। एंड 13th question को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी अप्रोच। 13th one, it is not based on any approach, it's common sense. 13th question. कुछ लोगों के आंसर्स भी आ गए हैं। आप लोग अगर लेफ्ट राइट ध्यान नहीं दोगे ना, आपकी जिंदगी में बहुत आर्स फ्री मिल जाएंगे, मन में आपको। आंसर आ गया क्या तुम्हारा? सेकंड लास्ट बेंच 14 आया, कैसे आया 14? 20% का 10%। माइक कहां पर है? माइक 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 पीछे पास कर दो। आंसर करेक्ट बोल रहा है, जल्दी जल्दी। अरे बोल यस 14% इज द करेक्ट आंसर, बोलिए। अरे नहीं मगर दीजिए, उसको एक्सप्लेन करेगा वो, बोल जल्दी बोल। अ फर्म हैज 20% डेट 80% इक्विटी इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर।
The cost of debt and cost of equity are assumed to be 10% and 15%. What is the overall cost of capital? Bolo. ट्वेल्व परसेंट दोनों को ऐड करके 14%. एवरीवन सही है. वेरी गुड वेरी गुड. इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं देख लीजिए. के इज इक्वल टू डेट इंटू केडी प्लस इक्विटी इंटू के. आसपास के लोगों से बात नहीं करोगे आप. माइक रखो उधर रखो कोई बात. अच्छे से संभाल के रखो मगर गिरने मत देना. ठीक है. डेट इंटू केडी प्लस इक्विटी इंटू के. आपका डेट का प्रोपोर्शन कितना है 20 इंटू व्हाट रेट 10% प्लस 80 इंटू 15% एंड दैट कम्स टू 2 + 12 दैट इज 14%. क्यों कम्स टू 14% माय डियर फ्रेंड्स. डन ऑल ऑफ यू. क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ. 11th क्वेश्चन सॉल्व कर लो. आपके पास 4 मिनट का टाइम है. 11th क्वेश्चन सॉल्व कर लो. आपके पास 4 मिनट्स का टाइम है. रुक जाइए. 11th मत सॉल्व कीजिए. 11th मत सॉल्व कीजिए. एक काम करते हैं 11th के पहले हम आपके नोट्स में जो अप्रोचेस दिए उसमें हम सेकेंड अप्रोच पे जा रहे हैं. सेकेंड अप्रोच आपका एनओआई पे जा रहे हैं. ट्रेडिशनल नहीं रहेगा एनओआई रहेगा. ऑल ऑफ यू कम टू एनओआई अप्रोच ऑन पेज नंबर 42. पेज नंबर 42 पे आ जाइए. स्क्रीन पर बुक दिख रही है आपको. आपको वैसे भी सिर्फ अजम्पशंस पढ़ने मेरे साथ और समझना है. बाकी थ्योरी तो आप बनाओगे. आज स्टेप्स भी एक भी स्टेप मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताओगे. ठीक है. रेडी हो क्या? कॉन्फिडेंस है खुद के अंदर? भरोसा है? डिराइव करोगे? डिराइव. वेरी गुड. तो सबसे पहला अजम्पशन पढ़ो. क्या लिखा है? केडी इज ऑलवेज लेस देन केई. टिक मार दो. पता है अपने को? टिक मार दो. पता है अपने को? देन सेकेंड अजम्पशन आपको बोल रहा है केडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट वेरियस लेवल ऑफ डेट इक्विटी. भाई ये तो बात उन्होंने भी बोली थी. एनआई अप्रोच वालों ने, एनआई अप्रोच वाले ने भी बोली थी. तो इसको भी टिक मार सकते हम लोग. थर्ड अजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार मार्क करो इसको. थर्ड अजम्पशन को टिक मत मारना, स्टार मार्क करना. और पढ़िए अजम्पशन नंबर 3. केई इंक्रीजेस एज डेट कंटेंट इंक्रीजेस ड्यू टू हायर फाइनेंशियल रिस्क एंड हायर एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर्स. मीनिंग क्या हुआ इस सेंटेंस का? जैसे जैसे ध्यान दो इधर, जैसे जैसे आपके आपके फर्म में डेट का कंटेंट बढ़ेगा और इक्विटी का कंटेंट कम होगा, आपके इक्विटी वाले लोगों को लगेगा कि कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रहा है. अब आप बोलो दोस्तों, आप इक्विटी वाले लोग हो, ये डेट वाले लोग है. पहले पूरा 100% आपसे लिया था ओरिजिन पॉइंट पर जब थे तब. ओरिजिन पॉइंट डायग्राम का याद है? डायग्राम का ओरिजिन पॉइंट पे हम लोगों ने 100% इक्विटी 0% डेट रखा था, याद है? कल वाला सेम डायग्राम. ओके, तो वैसी सेम सिचुएशन है. मेरी कंपनी पूरी इक्विटी फाइनेंस कंपनी है. अब ये लोगों का अभी कोई रोल नहीं है. इन लोगों का तो थ्योरी में कोई संबंध ही नहीं है. प्रेफरेंस वाले लोग है ये, इक्विटी वाले डेट वाले लोग है. अब मैं सोच रहा हूं कि चलो एक काम करते, डेट लेकर इक्विटी को बायबैक कर लेते. तो मैंने क्या किया, 20% डेट लिया, आपका 20% वापस कर दिया. अब रेशो बन गया 80-20. जो 80% लोग है इनको लगेगा कि कंपनी पागल हो गया, डेट ले लिया, गलत कर रहा है, रिस्क आ गया. नहीं, अरे डेट से लेवरेज होता है. कौन सा लेवरेज होता है? फाइनेंशियल लेवरेज होता है. अरे डेट से टैक्स बचता है, टैक्स शील्ड मिलता है इंटरेस्ट पर.
आपको भी पता है ये फायदे तो ये बोलते हैं अच्छा हो गया चलो, और 20% ले लिया उन्होंने, बोला चलो बढ़िया अब इस अब सेटल्ड हो गया 60-40। अब इसके आगे मैं बोल रहा हूं और 20 लेते, अब आप थोड़े से चौकन्ना हो गए, कॉशियस हो गए, बोले ये क्या कर रहा है कंपनी, रिस्क तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रहा है। सर कौन सा फाइनेंशियल रिस्क? सर डेट पर इंटरेस्ट देने का और डेट को रीपे करने का, ये रिस्क तो रहेगा ना। और आपको पता है कि सबको देने के बाद जो बचेगा वो आपको बिलोंग करेगा। अब इतना ही अगर इनसे ले लिया है डेट वालों से तो और आपके लिए कुछ बचना भी चाहिए ना, समझा कुछ? तो आपके मन में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ गया कंपनी के बारे में। आप कंपनी बोल रहा और 20% आपसे लेगा और आपका 20% रिटायर करके अब रेशियो बन गया 20-80, है ना? पहले कितना था अपना 60-40 था, हाँ अच्छा चलो अभी कितना हो गया, इनका 60 हुआ और आपका 40 हुआ और 20% ले लिया, अभी 80-20 हो गया। ऐसे अब जो बढ़ रहा है रिस्क, ये रिस्क के साथ आप रिमेनिंग शेयर होल्डर्स कंफर्टेबल हो क्या? आपको क्या लग रहा है कंपनी के बारे में, कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है? मतलब इन शॉर्ट जो कंपनी को मैनेज कर रहे हो उनका मानसिक संतुलन थोड़ा हिल गया लगता, और इस कंपनी से अब जल्द से जल्द एग्जिट मारना पड़ेगा। मतलब ही आप मैक्सिमम रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे। सर मैक्सिमम रिटर्न कैसे एक्सपेक्ट करेंगे हम? हमारा पैसा हमको पूरा वापस चाहिए, जितने जल्दी चाहिए उतने जल्दी दे दो। इसका मतलब ही आप रिटर्न मुझसे ज्यादा मांगोगे, समझा कि नहीं कुछ? तो ऐसे सिचुएशन में हायर द फाइनेंशियल रिस्क हायर द रिटर्न। इनको क्या लग रहा है, इनका फाइनेंशियल रिस्क जितना ज्यादा है उतना इनके रिटर्न भी ज्यादा होने चाहिए, और इसीलिए इनका जो केई फर्स्ट थ्योरी में कांस्टेंट अज्यूम किया था, इधर कांस्टेंट अज्यूम नहीं होता है, बढ़ता है, वो भी एक लेवल के बाद 40-60 तक। एक्चुअली आप कंफर्टेबल थे, आप 60 ये 40, जैसे इनसे और 40 के आगे डेट लिया कि आपको लगा कंपनी का डेट बढ़ रहा है यार, और 40 के बाद और 20 ऐड कर दिया, 60 ऑलरेडी था और 20 ऐड किया, आपको लगेगा पागल हो गई कंपनी, अब अपने को मैक्सिमम रिटर्न्स लेके कंपनी से अलविदा बाहर निकलना है। तो ऐसे सिचुएशन में डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कैसे आएगा दोस्तों? ऐसे सिचुएशन में आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कैसे आएगा, देखिए दिस इज योर एनओआई अप्रोच, एनओआई अप्रोच, ये मेरा एक्स एक्सिस, आपको लिखना नहीं, आपको ध्यान देना है, और ये मेरा वाई एक्सिस, यहां पर है मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डेट इक्विटी सब कुछ, ये आपका जीरो लेवल है और यहां पर डेट इक्विटी का मिक्स है, एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? एंड ये जीरो है मतलब, बोलिए, डेट जीरो है, इक्विटी 100% है, वेरी गुड एवरीवन। एंड अब नीचे केडी कांस्टेंट थ्रू आउट रहेगा, क्यों सर? अजम्पशन पढ़ लो, अजम्पशन में लिखा है, और ऊपर केई जो है वो इस तरीके से बढ़ जाएगा, केई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, करेक्ट है कि नहीं? केई क्यों बढ़ रहा है भाई? केई बढ़ रहा है बिकॉज डेट कंटेंट बढ़ रहा है। जब आप ज्यादा इस तरफ जाओगे एक्स एक्सिस पर, आप डेट को बढ़ाकर इक्विटी को कम कर रहे हो, तो रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, कौन सा रिस्क? फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रहा है भाई, हेड डाउन नहीं करना है आपको, ध्यान देना इधर, आपका तबीयत का कोई इश्यू रहेगा आप मेरे से आके पहले बात करो, अदरवाइज आपने पूरे पैसे दिए और आपको वसूल करने आना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख रहे हम लोग। तो एवरीवन फोकस यार, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको घंटा बाद में अकेले में समझने नहीं वाला है, क्यों इतना ओवर कॉन्फिडेंस है खुद पर, इधर ध्यान दे दे भाई। आपका केई बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली बिकॉज कंपनी के इन्वेस्टर्स कौन है, इक्विटी वाले, इनको लग रहा है कि कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रहा है। भाई जितना डेट हम लोग लेंगे उतना ऑब्लिगेशन बढ़ रहा है, हमने चैप्टर नंबर 1 से पढ़ा है डेट इज अ रिस्कियर सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो कौन सा रिस्क बढ़ता है, ऑपरेशन का या फाइनेंस का? फाइनेंस का रिस्क बढ़ता है, तो इसलिए इस नाम को, इस रिस्क को क्या नाम दिया गया, फाइनेंशियल रिस्क, और जो ऑपरेशन वाला रिस्क होता है उसको बिजनेस रिस्क बोलते हैं।
दो रिस्क होते हैं, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रहा है यहां पर, और इसलिए इक्विटी इन्वेस्टर्स का सिंपल रूल है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स। तो ये लोग बोलते हैं हमारे रिटर्न्स बढ़ाओ, मतलब केई क्या होगा, बढ़ेगा। अब क्यो का क्या सिचुएशन रहेगा, तो लास्ट अजम्पशन अगर आप पढ़ोगे, पढ़ लो क्या लिखा है, द मार्केट दैट इज इन्वेस्टर्स इन डेट एज वेल एज इक्विटी कैपिटलाइजेस द वैल्यू ऑफ फर्म एज अ होल विदाउट गिविंग इंपॉर्टेंस टू डेट इक्विटी मिक्स, विदाउट गिविंग इंपॉर्टेंस टू डेट इक्विटी मिक्स, हेंस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मतलब ये अजम्पशन में क्या इतना बड़ा लिखा समझा नहीं, मगर लास्ट में जो अंडरलाइन किया वो तो पक्का समझा है। ये क्या बोलना चाहते हैं मैं आपको समझाता हूं, ये बोलना चाहते हैं इन्वेस्टर्स इन इक्विटी हो या डेट ऑफ फर्म के डेट इक्विटी को नहीं देखते ये लोग, ये लोग फर्म को देखते हैं एज अ होल, एंड इसीलिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो नहीं बदलता। ये थियोरेटिकली सही लग रहा है, प्रैक्टिकली ये क्यों कॉन्स्टेंट क्यों है मैं आपको समझाता हूं। देखिए डायग्राम में अच्छे से आइए और देखिए यहां पर आपका क्यों क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों की शुरुआत कहां से की हमने, केई से की, वो तो कल से बात कर रहे अपन, क्या बात कर रहे हैं, 100% इक्विटी रहेगा तो क्यों इज इक्वल टू केई रहेगा, ऑल ऑफ यू वेरी गुड। सो ऐसे सिचुएशन में क्यों कांस्टेंट है बिकॉज ऑफ टू रीजंस विच आर नलिफाइंग ईच अदर, विच आर नलिफाइंग ईच अदर, एवरी वन फोकस। ये कोई कहीं लिखे नहीं है, कोई बुक में लिखे नहीं है, ये लॉजिक से जो मैं आपको बता रहा हूं। आप मुझे बताओ लॉजिकली स्पीकिंग, एक्स एक्सिस पर आगे बढ़ रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, डेट बढ़ाकर इक्विटी को कम कर रहे हो, तो कैन आई से एन आई अप्रोच जैसे डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, इक्विटी वॉज अ कॉस्टलियर सोर्स, तो मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों कम 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 होना चाहिए था, हाँ या ना, यस। डेट वॉज अ चीपर सोर्स, इक्विटी इज अ कॉस्टलियर सोर्स, तुम कॉस्टलियर सोर्स का पैसा वापस कर रहे हो और डेट वालों का पैसा ऐड कर रहे हो जो चीपर सोर्स है, तो मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एन आई अप्रोच जैसे नीचे नीचे आना चाहिए था। रीजन नंबर वन क्लियर। रीजन टू सुनो अभी, जैसे जैसे आप डेट बढ़ाते जा रहे हो इक्विटी का कॉस्ट क्या हो रहा है, इक्विटी का कॉस्ट प्रपोर्शन नहीं कॉस्ट बढ़ रहा है भाई, देख लो आप डायग्राम में दिखा रहे हो बढ़ रहा है। अगर इक्विटी का कॉस्ट बढ़ रहा है तो ओवरऑल कॉस्ट में इक्विटी का भी तो कॉस्ट आता है, तो केई बढ़ने की वजह से ओवरऑल कॉस्ट क्यों बढ़ना चाहिए, यस और नो? सर क्यों क्यों बढ़ेगा, केई बढ़ रहा है इसलिए, क्यों का एक पार्ट केई है ना भाई, ओवरऑल कॉस्ट में इक्विटी का कॉस्ट भी तो आता है। अगर इक्विटी अपना कॉस्ट बढ़ा रहा है तो ओवरऑल कॉस्ट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। फर्स्ट रीजन क्या बोलता है, ओवरऑल कॉस्ट कम होना चाहिए। दूसरा रीजन क्या बोल रहा है, ओवरऑल कॉस्ट बढ़ना चाहिए। ये दोनों रीजन एक दूसरे को कॉम्पनसेट करेंगे, कॉम्प ऑफ करेंगे और क्यों जहां है वही रहेगा। हैव यू अंडरस्टूड, क्या समझा आपको कि डेट एड करने से क्यों कम होना चाहिए, बट केई बढ़ रहा है इसलिए क्यों बढ़ना चाहिए, ना क्यों घटेगा ना क्यों बढ़ेगा, ये दोनों रीजन एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे इक्वली और क्यों कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट। दिस इज द रियल रीजन। वो अजम्पशन नंबर फोर में तो कुछ भी नहीं समझता आपको, अजम्पशन फोर बोल रहा है ये डेट वाले लोग वो इक्विटी वाले लोग फर्म को देखते, फर्म को ओवरऑल देखते, फर्म के डेट इक्विटी को नहीं देखते, इसलिए फर्म का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो सेम ही रहेगा। रियल में मैथमेटिकली क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं, समझा? तो केओ क्या हो गया कांस्टेंट, केडी क्या हो गया कांस्टेंट, केई क्या हो गया राइजिंग। अब आप बोलो कॉमन सेंस यूज करके कि इस थ्योरी का लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इस थ्योरी का लास्ट स्टेप शुड बी एग्जैक्टली फाइंडिंग केई, फाइंडिंग केई। व्हाई? बिकॉज केई चेंज हो रहा है। And what will be given to you? K-O-N? Wonderful guys. ठीक है, अब कोई भी लिखेगा नहीं और मुझे स्टेप्स बनाकर आप डिराइव करके बताओगे। माइक किधर है, कौन ट्राई करेगा? दो चार जितने भी स्टेप्स आपको ट्राई करने हैं बोलो जल्दी, हाथ ऊपर करो फटाफट फटाफट हाथ ऊपर करो। एक दो तीन चार पांच, सिर्फ पांच लोग,
नॉट इवन 1% ऐसा बोल सकते आप लोग, 6-7 उधर पास करो माइक। ऑनलाइन वाले हाथ ऊपर कर रहे हैं, काश हम आपको भी मौका दे सकते। बोलिए बेटा। सर स्टार्टिंग अपना ईबीआईटी से ही होगा, स्टार्टिंग स्टेप विल बी ईबीआईटी, ठीक है? सुनिए अच्छे से, आंसर भले ही वो दे रहा है बट रिपीटेशन तो अपन कर सकते हैं अगर अपन एग्री कर रहे हैं तो। मतलब मुझे भी समझेगा कि कितने लोगों को लगता है कि वो स्टेप जो बोल रहा है वो सही है। तो आई एम लुकिंग नॉट जस्ट एट हिम बिकॉज मैं तो उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है वो कौन बोल रहा है और माइक में हम सब सुन रहे हैं। मैं इनफैक्ट आपकी तरफ देखूंगा ताकि मुझे समझेगा कि उससे कितने लोग एग्रीड है और कितने लोग हिम्मत कर रहे हेड डाउन करने की। चलो स्टेप वन ईबीआईटी बिल्कुल सही है। और कमेंट सेक्शन में जो लोग बोल रहे कमेंट्स कमेंट्स करते रहो ताकि मुझे समझेगा कि आपको भी आ रहा है ऑनलाइन वालों, ठीक है? चलो नेक्स्ट। सर फिर उसमें से इंटरेस्ट माइनस होगा, इंटरेस्ट माइनस होगा और ईबीटी मिलेगा, ईबीटी मिलेगा। ईबीटी को आप क्या बुलाना पसंद करोगे? नेट इनकम। इधर भी एनआई बुलाओगे? यस सर। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट विल गिव यू एनआई, वेरी गुड। फिर अपन थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेप मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म अपन कैलकुलेट करेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, फर्म देखो ध्यान से सुनो, और स्टेप्स कोई देखेगा नहीं है प्लीज। अगर आप देखकर बोल रहे हो तो फिर तो कोई सेंस नहीं है इसका। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म जिसको सिंबॉलिकली आप वी बुलाते हो इज इक्वल टू क्या होगा? एस प्लस डी बोल सकते क्या आप? क्या? हाँ नहीं सर, एस प्लस डी। एस कहा है, डी कहा है अभी तक? क्या होगा जयेश? ईबीआईटी, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय के होगा दोस्तों। यस सर, वेरी गुड। ईबीआईटी डिवाइडेड बाय के होगा, दिस वाज वंडरफुल। ये स्टेप आपको आनी चाहिए थी गाइस। और ये कहां से आया स्टेप मालूम है? पिछले थ्योरी का स्टेप सिक्स, पिछले थ्योरी का स्टेप सिक्स जो था उसको मॉडिफाई किया गया। कौन सा स्टेप था सर वो? K is equal to EBIT divided by V into 100. ये स्टेप को मॉडिफाई किया तो V is equal to बन गया। सर into 100 कहां गया? मैथ्स के दुश्मनों, वो K परसेंटेज में रहेगा, वो into 100 का इफेक्ट उसमें आ गया, ठीक है? समझ गए यहां तक? फोर्थ स्टेप क्या रहेगा? वैल्यू ऑफ डेप, बोल जयेश कॉन्फिडेंसली बोल। वैल्यू ऑफ डेप, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, डेट डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय के डी, वेरी गुड। ये वही लॉजिक था जो अपन ने कल डिस्कस किया था। क्या लॉजिक था? इंटरेस्ट इज इक्वल टू डेट इनटू के डी, सही है ना? यस सर। अब क्या करोगे आप? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी फाइंड, वेरी गुड। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी एस कैसे निकलेगा दोस्तों? वी माइनस डी, वेरी गुड। मुझे पूरे फर्म का वैल्यू मालूम है, उसमें से डेट का पता चल गया तो माइनस कर देंगे तो इक्विटी का आ जाएगा। यस सर। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एस इज इक्वल टू वी माइनस डी। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम? बिकॉज वी इज इक्वल टू एस प्लस डी, सही है क्या दोस्तों? यस। हमारे लास्ट स्टेप के लिए यहां पर जगह नहीं है। तो हम सबको नीचे ले लेंगे, ठीक है? और यहां पर लास्ट स्टेप
सिक्स्थ बोलो सर, नहीं आ रहा, नहीं आया, लास्ट स्टेप नहीं आया है सर, एन आई डिवाइडेड बाय एग्जैक्टली एन आई डिवाइडेड बाय एस इंटू 100। ध्यान से सुनो, देखो हर किसी को इक्वली ऐसा क्लिक होगा आंसर, ऐसा जरूर नहीं है, बट फोकस करो और स्टेप्स को समझो। यहां तक के स्टेप में फर्स्ट स्टेप चेंज करना जरूरी था क्या? नहीं था। क्यों नहीं था सर? क्योंकि ऑपरेटिंग पार्ट रिमेन सेम, ये जनरल अजम्पशन में लिखा था, करेक्ट। सेकंड स्टेप चेंज करना जरूरी था क्या? नहीं था, क्योंकि इंटरेस्ट का फिगर दिया रहेगा, ईबीआईटी माइनस करने से आपको ईबीटी मिलेगा, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करने से ईबीटी मिलेगा, विच इज नथिंग बट एनआई, क्योंकि यहां पर भी नो टैक्स है, नो प्रेफरेंस शेयर्स है। फिर आपका थर्ड स्टेप आपने क्यों बदला? क्योंकि आपका एस इज इक्वल टू एनआई बाय के ई करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आपके पास के ई नहीं था। अगर तेरे पास के ई नहीं है तो वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं निकल सकता, सुनो अच्छे से, तेरे पास के ही नहीं है तो वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं आ सकता, बट तेरे पास के है तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा ना। के से अगर इक्विटी का वैल्यू आता है तो के से फर्म का वैल्यू आ जाएगा। फर्म का वैल्यू कैसे आएगा? तो पिछले थ्योरी का सिक्स्थ स्टेप मॉडिफाई किया, वी इज इक्वल टू सॉरी के इज इक्वल टू ईबीआईटी बाई वी इंटू 100 था, उसको मॉडिफाई करके वी इज इक्वल टू बना दिया। वी इज इक्वल टू क्या बना? ईबीआईटी बाय के। फिर फोर्थ स्टेप को तो वैसे ही रखा, क्योंकि केडी कांस्टेंट था तो डेट आ जाएगा। ओवरऑल वैल्यू में से डेट का वैल्यू निकाल दिया तो इक्विटी का वैल्यू आ गया। अगर इक्विटी का वैल्यू आ चुका है तो इनका कॉस्ट लाना कौन सी बड़ी बात है? थर्ड स्टेप पिछले थ्योरी का याद है क्या? पिछले थ्योरी का थर्ड स्टेप याद है क्या? क्या था? बस उसी को मॉडिफाई करना है। मुझे पिछले थ्योरी का थर्ड स्टेप बताओ पहले। एस इज इक्वल टू एन आई डिवाइडेड बाय के, सही है क्या? तो फिर के इज इक्वल टू एन आई बाय एस इंटू 100 हो जाएगा ना। ऑल ऑफ यू ये डेरिवेशन नहीं सीखा आपने, आपने डिराइव किया, ये मॉडिफाई पूरा आपने किया है भाई। तो पूरे स्टेप्स में कौन से स्टेप्स चेंज हुए? थर्ड स्टेप चेंज हुआ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्टेप चेंज हो गया। थर्ड स्टेज क्यों स्टेप क्यों चेंज हुआ? के ही नहीं दिया था, के ओ दिया था, हमने क्या कर दिया? इक्विटी के वैल्यू की जगह मार्केट का वैल्यू फॉर्म निकाल लिया। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? और फिफ्थ स्टेप चेंज किया, वी इज इक्वल टू एस प्लस डी था उधर पहले, आपने S इज इक्वल टू वी माइनस डी कर दिया। और लास्ट स्टेप चेंज कर दिया आपने, क्योंकि लास्ट स्टेप में आपके पास K इज इक्वल टू एन आई बाय एस इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि पिछले थ्योरी का थर्ड स्टेप क्या था? S इज इक्वल टू एन आई बाय के ई था, उसी को K इज इक्वल टू बनाया अपन, समझा? तो एक काम करते हैं, नोट्स में आइए, और आपके नोट्स में पेज नंबर 43 पर लेट अस रिवाइज एनओआई अप्रोच विथ लॉजिक ऑफ केओ रिमेनिंग कांस्टेंट। स्टेप्स लिखे क्या? स्टेप्स फॉर NOI approach. First step. EBIT. Second step. EBT or NI is equal to EBIT minus interest. Third step. MV लिखो क्या? समझेगा ना? Market value of firm V is equal to बोलिए EBIT divided by Q dot 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 करके उसका logic क्या है?
पिछले थ्योरी का सिक्स स्टेप लिखोगे आप उधर, के इज इक्वल टू ई बी आई टी डिवाइडेड बाय वी इंटू 100। स्क्रीन बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा है बेटा, जो लोग ऐप में हैं सब लोग यूट्यूब पे आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग यूट्यूब पे आ सकते हैं, वी स्मार्ट एज वेल एज विनोद रेड्डी चैनल दोनों पे चल रहा है, डोंट वरी, ठीक है। नाउ मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म वी इज इक्वल टू ईबीआईटी बाय क्यू लिखा आपने, Now what? Market value of debt symbolically D is equal to interest divided by KD because interest is equal to debt into KD. Interest ka formula hota hai debt into cost of debt. फिफ्थ स्टेप, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एस इज इक्वल टू वी माइनस डी, लॉजिक वी इज इक्वल टू एस प्लस डी, वी इज इक्वल टू एस प्लस डी, सही है क्या एवरीबॉडी? And sixth step, K is equal to NI divided by S into 100. Logic kya hai? S is equal to NI divided by K. Ye pichle theory ka third step tha. So my dear friends, we know all the steps now for NOI approach also. करेक्ट, समझ में आ गया? ग्रेट। व्हाई क्यू रिमेन्स कांस्टेंट? दो रीजन बोले मैंने आपको, पहला रीजन था क्यू शुड डिक्रीज, क्यों भाई? डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, इक्विटी इज अ कॉस्टलियर सोर्स, इक्विटी को कम कर रहे हो, डेट को बढ़ा रहे हो, क्यू क्या होना चाहिए था? कम होना चाहिए था, कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। दूसरा रीजन बोलता है के ई बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ना चाहिए था, तो दूसरा रीजन बोलता है क्यों बढ़ना चाहिए था, पहला रीजन बोलता है क्यों घटना चाहिए था, तो ये दोनों कॉम्प ऑफ करेंगे और क्यों कांस्टेंट थ्रू आउट रहेगा। इज एवरीथिंग क्लियर? कोई शक? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे फॉर एनओआई अप्रोच। कम टू 18th क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, 18th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। अब 18th क्वेश्चन क्या बोलता है, सब लोग फोकस करेंगे। अ फर्म अर्न्स एनओआई ऑफ रुपीज 1 लाख, सबका ध्यान क्वेश्चन की तरफ होना चाहिए। इट्स क्यू इज 10%, डेट इज रुपीज 5 लाख एंड केडी इज 6%। ध्यान से देख लो इन क्वेश्चंस को, यहां पर क्यू दिया रहता है एंड केडी दिया रहता है और पूछा जाता है केई, तो ऑब्वियसली ये एनओआई अप्रोच है,
भले ही आगे ऐसा लिखा हो या ना लिखा हो, वो NOI अप्रोच यूज करो, बट ऑब्वियसली इट इज ना क्वेश्चन ऑफ NOI अप्रोच. नाउ फाइंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी वैल्यू ऑफ फर्म वी. भाई अगर के ही तक जाने तो वी तो निकालना ही पड़ेगा अंडर NOI अप्रोच. फाइंड वी एंड के ही मतलब सेम दो बातें. इफ डेट इज रुपीज 7 लाख तो पहले कितना था 5 लाख था, अब कितना है 7 लाख. विल योर आंसर डिफर, वर्क अंडर NOI थ्योरी. थर्ड जो पार्ट है वो ऑल टूगेदर अलग है. फर्स्ट और सेकंड साथ में सॉल्व हो सकता है क्या? फर्स्ट और सेकंड एक खट्टा, यस. इसलिए मैंने फॉर्मेट रेडी दिया है तो आप सॉल्व कर सकते हो क्या? स्टार्ट बोलते जाओ मुझे. माइक कहां पर है? माइक पीछे पीछे. स्टेप सॉल्व करो और साथ साथ में बोलते जाओ. EBIT. बाप रे इतना गहरा आवाज. ए विल बी EBIT. कितना लू? 1 लाख रुपीज. 1 लाख रुपीज. देन इंटरेस्ट माइनस करना. फिर इंटरेस्ट लिख देंगे. EBIT लिखो डायरेक्टली. अच्छा डायरेक्ट EBIT निकालना है? नहीं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा ना पहले. इंटरेस्ट इज नथिंग बट क्या लिखेंगे यहां पर? डेट इनटू 6%. डेट इनटू 6%. फर्स्ट केस में आपका डेट अमाउंट कितना है? 5 लाख. 5 लाख का 6% 30,000. दूसरे केस में 7 लाख का 42,000 इंटरेस्ट आएगा. ऑल ऑफ यू? यस सर. सी पार्ट विल बी EBIT. वो कैसे आएगा बेटा? कुटला A-B. कितना होगा आंसर आपका? 70,000. 70,000. 58,000. 58,000. ऑल ऑफ यू सॉल्व कर रहे हो ना? अब EBIT को क्या बुला सकता हूं मैं? और NOI बुला सकता हूं. ठीक है आगे बताइए. MU ऑफ फर्म. मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म V इज इक्वल टू EBIT अपॉन Q. A डिवाइडेड बाय Q. तो एक्चुअली Q दोनों जगह 10% ही है क्या? यस सर. तो ए डिवाइड बाय क्यू करेंगे तो आंसर दोनों जगह 10 लाख रुपीज. 10 लाख्स एंड 10 लाख्स आएगा. फ्रेंड्स बी केयरफुल. ए डिवाइडेड बाय क्यू है वो, EBIT बाय क्यू है वो. सो नेक्स्ट MU ऑफ डेट. मार्केट वैल्यू ऑफ डेट डी इज इक्वल टू. अच्छा गिवन है फर्स्ट केस में 5 लाख रुपीज है और सेकेंड केस में 7 लाख रुपीज है. देयरफोर एफ पार्ट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी. फर्म कहां से आ गया? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एस इज इक्वल टू V-D. मतलब ही D-E. 5 लाख. 5 लाख एंड 3 लाख. एंड 3 लाख्स. ठीक बात. नेक्स्ट के इज इक्वल टू NOI अपॉन S इनटू 100. NOI कहां पर है? सी है. यस सर. और S जो है वो F है. हम बोलेंगे सी डिवाइडेड बाय F इनटू 100. सी डिवाइडेड बाय F इनटू 100 दैट कम्स टू 14% एंड 19.33%. बिल्कुल सही जा रहे हो. वेरी गुड. सही आंसर है. अब आप थर्ड पार्ट पढ़ सकते हो और थर्ड पार्ट को आपको सॉल्व करना है.
क्या ढूंढ रहे हो आप? क्यों पीछे क्यों रह गए इतने? सो थर्ड पार्ट सॉल्व करना है आपको, फाइंड के ई डी एस एंड वी, चार बातें पूछिए। सिर्फ के ई बोलते तो भी तीन फ्री थे, राइट? तो चार चीजें नहीं, एक्चुअली एक ही चीज पूछी है के ई, और वहां तक जाने के लिए वो तीन निकालना ही पड़ेगा। फॉर द फॉलोइंग लेवल ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट अंडर एनओआई अप्रोच, इंटरेस्ट कॉस्ट इज फर्स्ट केस में 10,000, सेकेंड इज 20, देन 25, देन 35, देन 45, वेयर क्यू इज 10%। पहले कितना था? पहले क्यू कितना था? 10 ही था। और केडी 5%, पहले कितना था? 6 था। तो फिर भाई इसको हाईलाइट करना पड़ेगा, इसको हाईलाइट करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? तो कल जैसे आपने 17th का थर्ड पार्ट सॉल्व किया था, वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको। कम ऑन स्टार्ट जलपन। कैलकुलेशन ऑफ के वी डी एंड एस अंडर एन ओ आई अप्रोच, अंडर एन ओ आई अप्रोच। पर्टिकुलर्स और इंटरेस्ट कॉस्ट, टेन थाउजेंड। नेक्स्ट इज 20, नेक्स्ट इज 25, नेक्स्ट इज 35, लास्ट है क्या? वो पांच ही है सिर्फ, बहुत जगह है फिर। तो ये आपके कॉलम्स बन गए, और आपको सॉल्व करना है और आपको निकालना है आपका केई। ए विल बी ईबीआईटी, कौन से केस में 1 लाख आएगा? सारे केसेस में 1 लाख आएगा। डायरेक्ट बी पार्ट में ईबीटी बोलू क्या? बिकॉज इंटरेस्ट तो ऊपर लिखा ही अपन ने, ईबीटी इज ए माइनस इंटरेस्ट, ए माइनस इंटरेस्ट, एंड दैट विल बी 90,000, 80,000, 75,000, 65,000 एंड 55,000 ईबीटी और एन आई। देन ईबीटी और एनआई आ गया आपका, कोई डाउट है यहां तक? अब क्या निकलेगा? मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, जिसको हम वी बोलते हैं, वो कैसे आएगा? ए डिवाइडेड बाय क्यू, ए डिवाइडेड बाय क्यू। तो क्यू 10% है, तो हर जगह 10 लाख रुपीज आ जाएगा। याद रखिए एनओआई अप्रोच में केओ एंड वी दोनों कांस्टेंट होता है, केओ एंड वी दोनों कांस्टेंट होता है। देन डी पार्ट विल बी मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, डी कैसे आएगा? इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय
केडी कर कर आएगा, तो इंटरेस्ट 10,000 है, केडी कितना है 5% है, 2 लैक्स, 4 लैक, 5 लैक, 7 लैक, 9 लैक। ई पार्ट में आएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, यस वो कैसे आएगा, सी माइनस डी करना पड़ेगा, आई डोंट हैव स्पेस, आप लिख दो सी माइनस डी, कितना आएगा 8 लाख रुपीस, 6 लैक्स, 5 लाख, 3 लाख एंड 1 लाख। डायरेक्ट के ही है ना अभी, तो लिख सकते फिर वी माइ वी सी ना, सी माइनस डी एंड एफ विल बी योर के ई। के ई कैसे आएगा, के ई ई डिवाइडेड बाय, अच्छा सॉरी सी, सी डिवाइडेड बाय ई एन आई डिवाइडेड बाय आएगा ना, बी डिवाइडेड बाय आएगा, बी डिवाइडेड बाय ई आएगा ना, एन आई है ये, इधर बी पार्ट में लिखा है तुमने एन आई फॉर्मूला, हाँ हाँ फॉर्मूला लिखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, अपने पास यहां पे स्पेस ही कम रहता है, अपने को फॉर्मूला लिखने को जगह नहीं रहता है, और सीरियल नंबर लिखने में जल्दी टाइम इन्वेस्ट मतलब कम होता है ना, इसलिए अपन सीरियल नंबर लिखते हैं। इलेवन पॉइंट टू फाइव परसेंट, 13.33%, 15%, 21.66%, 55%, एवरीबॉडी। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। एंड फ्रेंड्स अगर आपने नोटिस किया रहेगा तो अपन ने पहले बोला था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रियल ओनर्स ऑफ कंपनी, देयर एक्सपेक्टेशन राइजेस वेरी फास्ट, तो देखो लास्ट में उनको शर्म आ रहा है कि 55% मांग रहे हो आपसे, कैसे हो रहे तुम, 55% 55% रिटर्न देंगे कंपनी डूब जाएगा, बस डूबने से हमारा पैसा निकाल के निकले हम। तो ऐसे सिनेरियो में आपका केई जो है, क्या आप डायग्राम में जो देख रहे हो वो यहां नजर आ रहा है आपको, डायग्राम में क्या देखा आपने, डेट बढ़ाकर इक्विटी को कम करने से आपका केई बढ़ रहा था, तो ये देखो आपका केई जो 11.25 था वो पहले धीरे धीरे बढ़ा और डायरेक्ट फिर जंप किया 21.66 और फिर 55%। तो याद रखिए केई जो है वो बहुत फास्ट चेंज होता है, ठीक है, उनके एक्सपेक्टेशन फटाक से राइज होते। इजी सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में भी, एग्जाम से याद आया, कल आपका एग्जाम है, पढ़ रहे हो ना भाई, पूरी तैयारी कर लो। आपको एग्जाम के लिए कौन सी तैयारी करनी है, रेगुलर टेक्स्ट बुक जिसको हम नो नोटबुक कॉन्सेप्ट बोलते हैं, उसके साथ साथ क्वेश्चनियर बुक और मॉड्यूल अगर आपको देखना होगा तो देख लो, कोई जरूरत नहीं है। वैसे 30 मार्क्स के आसपास का टेस्ट रहेगा, 5 मार्क्स के एमसीक्यूज रहेंगे, 5 मार्क्स के एमसीक्यूज रहेंगे, 30 मार्क्स के आसपास का टेस्ट रहेगा, ठीक है। थ्योरी 2 से 4 मार्क्स का थ्योरी आएगा और लिखना कंपलसरी है, जिसने थ्योरी स्किप किया उसका प्रैक्टिकल चेक नहीं होगा, क्योंकि तुम 2-4 मार्क्स छोड़ के छोड़ देते हो, ऐसे ही लिखो थ्योरी जो लिखना है अच्छे से। टाइम अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ मार्क्स रहेगा, आपका नंबर ऑफ मार्क्स इंटू 1.8 करोगे तो टोटल टाइम है आपका 30 × 1.8, घर जाने का टाइम डिसाइड कर रहे हो क्या, अच्छा 54 मिनट्स है तो 1 घंटा नहीं मिलता, 55 मिनट्स मिलते। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ,
अब आप उस लेवल पर आ गए हो कि आप 11th क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लो, कम ऑन, आई गिव यू 5 मिनट्स टाइम, 6 मिनट्स टाइम। और 11th क्वेश्चन में ए बी और सी पार्ट जो है वो एक साथ सॉल्व कर सकते हो आप, ऐसा ए ये बी और ये सी रखकर। तुम्हारा आंसर्स चेक नहीं होंगे बेटे, तुम्हारे गूगल ड्राइव में तुम्हारा टेस्ट आ जाएगा। एट द सेम टाइम आपको सेल्फ इवेल्युएट करने के लिए जब इनका पेपर चेक होकर इनको मिलेगा तब आपको सजेस्टेड आंसर दिए जाएंगे। आपको अगर पेपर चेक करवा कर चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो 7888066008। टीम को कांटेक्ट करो, चार्जेस है उसके, चार्जेस भरकर आप आपका पेपर चेक कर सकते हो हर एक चैप्टर का। 5 मिनट रीडिंग टाइम चाहिए आपको पेपर के लिए, ठीक है राधिका, वो भी दे देंगे आपको, डोंट वरी। कम ऑन, यू हैव 5 मिनट्स टाइम, आई टोल्ड यू 6 मिनट्स टाइम, चलो जल्दी जल्दी। लास्ट का बी और सी पॉइंट क्या बोल रहा है, बी पॉइंट और सी पॉइंट क्या बोल रहा है? बी पॉइंट बोल रहा है डेट 2 लाख से 3 लाख हो गया और वो पैसा आपने बायबैक ऑफ इक्विटी में लगा दिया, मतलब इक्विटी उतने से कम हो गया। और सी पॉइंट क्या बोल रहा है, फर्म रिटायर्स डेट ऑफ ₹1 लाख बाय इशूइंग फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ सेम अमाउंट। तो इक्विटी शेयर्स 1 लाख से बढ़ गया और डेट 1 लाख से कम हो गया।
यस, तो फाइनल आंसर काफी लोगों का रेडी है यहां पर, आप सबका रेडी है। तो ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट आप मुझे बताएंगे, ईबीएटी तीनों में 50-50,000 आएगा। ये क्या हुआ, हाँ ना यार, आज तो दिन ही अलग था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से भरा दिन हुआ था। क्या हुआ ये, मैं दिख नहीं रहा हूं। Meanwhile, I will write, ताकि राइटिंग टाइम तो बच जाए अपना। बोलिए ईबीएटी, अरे प्रकट हो गए हम, प्रकट हो गए, यस बोलिए ईबीएटी 50,000 सब जगह आएगा। बी पार्ट इंटरेस्ट हम बोलेंगे डेट इनटू 10%। फर्स्ट केस में डेट कितना आएगा, 2 लाख का डेट आएगा, और 2 लाख के डेट पर 10% विच कम्स टू 20,000। बट सेकेंड सिनेरियो में बोला है इफ फर्म इंक्रीज द अमाउंट फ्रॉम डेट फ्रॉम 2 लाख टू 3 लाख, तो उस केस में यहां पर आएगा 30,000। लास्ट केस में बोला फर्म रिटायर्स अ डेट ऑफ 1 लाख, तो वो 1 लाख 3 लाख में से रिटायर किया जा रहा है या 2 लाख 2 लाख में से रिटायर किया जा रहा है, तो मेन क्वेश्चन को रेफर करने का बार बार, और इसीलिए फाइनल डेट रहेगा 1 लाख। 1 लाख पर 10% इज 10,000 रुपीज। ईबीटी और एनआई ए माइनस बी 30,000, 20,000 and 40,000। बोलिए आगे, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म वी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू कितना लिया जाए, 12.5%। ऑल ऑफ यू, सो इट विल बी 50,000 डिवाइडेड बाय 12.5%, कितना, 4 लाख। 4 lakhs, I told you, value of firm and Q does not change. I told you, कौन से केस में, मगर NOI अप्रोच में, E will be market value of debt, D is equal to, given है क्या, debt जो है, वो given है, 2 lakhs, 3 lakhs and 1 lakh. F part will be S is equal to D minus E, मतलब ही V minus D, value of firm minus value of debt, 2 lakhs, 1 lakh and 3 lakhs. Are you all getting the same answers? And G part will be K is equal to C divided by F into 100. All of you. So your first case 15%, 20%, 13.33%. Is this correct? All of you. First bench. आंसर बराबर है, किसका आंसर गलत है,
आंसर गलत है, ऐसे कितने लोग है? कोई नहीं है, पूरा क्लास। क्या बात, चलिए अब दोस्तों एक कंसेप्ट पे जाते हैं जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जिसका नाम था पीई रेशियो। याद आया? कहां डिस्कस किया था सर, कहां डिस्कस किया था? लिवरेज में, लिवरेज में कहां सर? जहां अपन ने DOL इज इक्वल टू 1/MOS किया था, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन लिया था उसका, एंड दैट टाइम वी हैव डिस्कस्ड पीई रेशियो। बट एज आई प्रॉमिस्ड यू, मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है? सो पीई रेशियो इज प्रॉफिट अर्निंग्स, सॉरी प्राइस अर्निंग्स रेशियो। इसके मिलते जुलते रेशियो जो होता है वो पीवी रेशियो है, बट रियल में कोई कनेक्शन ही नहीं है। पीवी रेशियो इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो एंड पीई रेशियो इज प्राइस अर्निंग रेशियो। जैसा नाम वैसा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है इसका? प्राइस मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर, अर्निंग मतलब अर्निंग पर शेयर। फॉर्मूला क्या बना? एमपीएस बाय ईपीएस इनटू 100 नहीं होता, ये परसेंटेज में नहीं होता, ये टाइम्स में होता है। किस में होता है? टाइम्स में होता है। सब लोग हैं मेरे साथ? ध्यान से सुनिए, एक पर्टिकुलर शेयर मार्केट में खरीदना चाहिए या बेच देना चाहिए, आपने एक पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करना चाहिए या सेल ऑफ कर देना चाहिए, उसके लिए भी ये पीई रेशियो देखा जाता है। हर फर्म का अपने अर्निंग के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है मार्केट प्राइस के साथ। फॉर एग्जांपल, अर्निंग पर शेयर 10 रुपीज है, मार्केट प्राइस पर शेयर सपोज 200 रुपीज है, तो आपका फॉर्मूले का आंसर क्या आएगा देवी और सज्जनों? अरे 10 रुपए का ईपीएस है एंड मार्केट प्राइस पर शेयर 200 का है, 20 टाइम्स का आपका आंसर आएगा। What is the interpretation of 20 times P ratio? The market is ready to pay 20 times compared to my earning for one share. मेरे earning के मुकाबले 20 गुना ज्यादा market pay करने को ready है, उसको बोलते हैं P ratio is 20 times. पहली बात समझी? अब दूसरी बात, P ratio अगर high है तो हमने shares को buy करना चाहिए या sell करना चाहिए? पी रेशियो अगर हाई है, कॉमन सेंस। अच्छा, मार्केट में प्रॉफिट बनाने का सिंपल लॉजिक क्या है? बाय एट लो प्राइस, सेल एट हाई प्राइस, मार्केट का सिंपल प्रॉफिट बनाने का लॉजिक है। वो अलग बात है कि एग्जैक्टली हम उसका उल्टा करते हैं बिकॉज ऑफ फियर एंड ग्रीड। दो फीलिंग्स अगर किसी के इंसान के दिलो दिमाग से अगर निकाल दी जाए ना, तो वो मार्केट में हर वक्त प्रॉफिट ही कमाएगा। मगर हर किसी के अंदर इनबिल्ट दो चीजें हैं, फियर डर, ग्रीड लालच। तो इसकी वजह से एक्चुअली हम बाय एट लो नहीं करते, ये सोच कर कि बढ़ेगा नहीं यार, क्या क्यों खरीदे, इतना नीचे शेयर है, डर है हमें नहीं बढ़ा तो क्या। और जैसे ही वो बढ़ जाता है, अब हम बोलते हैं अरे ग्रीड आ जाती है अपने अंदर, अब हम खरीदेंगे, और जैसे ही हम खरीदते फिर वो गिरता। जब मार्केट हाई पे, वो शेयर हाई पे होता है, तब लोग बोल देते कि बेच दे, अपन बोलते नहीं और ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे जाता है और अपन बेचते, फिर बराबर ऊपर जाता है वो। तो गाइस, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ फियर एंड ग्रीड की ये होता है। तो पी रेशियो आपको मदद करेगा डिसाइड करने में एक पर्टिकुलर स्टॉक। क्या कर रहे हो? इधर ध्यान। आपके पास मार्केट में पी रेशियो एक ऐसा इंडिकेटर है जो डिसाइड करेगा, आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा आपको डिसाइड करने में कि आपने एक पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करना चाहिए या सेल ऑफ करना चाहिए। जैसे कि अगर इंडस्ट्री का पी रेशियो 17 टाइम्स है, अपना 15 के रेंज में होता है,
अपना पी रेशियो 15 टाइम्स होता है जनरली। इंडस्ट्री मतलब अपने जैसे बाकी लोग जो अपने सेम बिजनेस में है, उनका पी रेशियो 17 का एवरेज है, और अभी मेरा पी रेशियो चल रहा है 200 का प्राइस एंड अर्निंग पर शेयर 10। तो अभी के मुकाबले अब आपके पास सबके पास मेरे शेयर्स है पीएस लिमिटेड, आप एवरी वन ऑफ यू आर होल्डिंग दिस शेयर्स, बोलो इस डेटा के बेसिस पर व्हाट यू विल डू, यू विल बाय मोर शेयर्स और यू विल सेल? यू विल सेल बिकॉज अभी अभी बोला अपन ने सेल एट हाई प्राइस, जब पी रेशियो 20 टाइम्स है इसका मतलब मार्केट प्राइस इज टू मच कंपेयर टू अर्निंग, मार्केट प्राइस इज टू मच। जनरली मार्केट प्राइस मेरे डेटा के मुताबिक कितना होना चाहिए था, 15 टाइम्स का मेरा पी रेशियो था, तो 10 × 15 करोगे तो मेरा प्राइस होना चाहिए था 150 का। चलो इंडस्ट्री को भी कंपेयर कर ले तो मेरा प्राइस होना चाहिए था 170 का, मेरा प्राइस चल रहा है 200 का। बेज भाई समझा क्या? सो पी रेशियो जब जब हाई रहता है इट इज इंडिकेटर ऑफ सेल, पी रेशियो जब जब लो रहता है इट इज इंडिकेटर ऑफ बाय। क्यों बाय सर? पी रेशियो लो रहेगा तो बाय क्यों करेंगे सर? मार्केट प्राइस कम है और ईपीएस ज्यादा है तो कंपनी का अभी अर्निंग अगर अच्छा है तो फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो पी रेशियो कभी भी लो रहेगा तो आप बोलोगे होल्ड करो या खरीद लो, और अगर पी रेशियो अगर हाई रहेगा तो आप बोलोगे बेच दो। बट सी व्हाट एवर आई एम सेइंग, ये सब एक फैक्टर के भरोसे डिसाइड नहीं होता है, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर विच यू शुड कंसिडर। अब आप जाके सीधा पेरेंट्स का पोर्टफोलियो खोलोगे और बोलोगे सेल कर दो बाय करो, ऐसा नहीं चलता है। इट इज वन ऑफ द इंडिकेटर व्हाट आई एम टेलिंग यू, मल्टीपल इंडिकेटर्स होते हैं जिनको देखकर आपका डिसीजन लिया जाता है। कभी कभी मेरा पी रेशियो 20 टाइम्स है बावजूद इसके बाकी इंडिकेटर्स बोलते होंगे रुक जा अभी और प्राइस बढ़ने वाला है। वो कौन से इंडिकेटर्स होते हैं सर? ऑब्वियसली वो बहुत से इंडिकेटर्स हो सकते हैं, फंडामेंटल साइड अलग होते हैं, टेक्निकल साइड अलग होते हैं। जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, कि अगर मेरी कंपनी ने कोई एक्सपांशन किया रहेगा या मेरी कंपनी का कोई बड़ा ऑर्डर आया रहेगा, कोई गवर्नमेंट का टेंडर मुझे मिला रहेगा, तो मेरे फ्यूचर अर्निंग्स बढ़ने वाले हैं भाई, तो मेरा मार्केट प्राइस तो और भी ज्यादा बढ़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू सिंपल एग्जाम्पल कैसे मार्केट के इंडिकेटर्स चेंज होते। आज से 2 साल पहले रोड बजट जो था वो बहुत ही कम हुआ करता था, अब इन दिनों में रोड बजट ना लगभग 100-200 टाइम्स मतलब परसेंट से ऊपर है। अगर रोड बजट इतने बढ़ रहे, रोड की कनेक्टिविटी आप तो देख रहे हो गडकरी साहब कितने फॉर्म में है, तो अगर इतना फॉर्म में रोड बनाएंगे और सब इंडिया के रोड ऐसे बन जाएंगे तो रोड बनाने वाली कंपनियों जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके शेयर जो लिस्टेड होते हैं उनके प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही ना, क्योंकि उनका टर्नओवर कितना बढ़ रहा है, उनका रेवेन्यूज बढ़ रहे तो उनके प्रॉफिट मार्जिन्स मेंटेन रखेंगे तो प्रॉफिट्स भी कितने बढ़ेंगे। तो अब ऐसे इंडिकेटर्स देखते हुए ऑब्वियसली हम लोग बोल सकते हैं होल्ड, समझे? व्हाट एवर आई जस्ट गेव यू एग्जांपल, दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, समझे? तो पी रेशियो यहां तक समझ गया आपको? तो अब आपको क्या लगता है, कैलकुलेट पी रेशियो बोला इन्होंने एमपीएस बाय ईपीएस, पी रेशियो के बारे में थोड़ा नोट लिख दे यहां पे जगह देखो राइट साइड। अबाउट पी रेशियो या एक्स्ट्रा पेज भी तो है आपके पास अबाउट पी रेशियो। So, we will say price earnings ratio indicates price earnings ratio indicates whether we should hold oblique buy or sell
अ कंपनीज शेयर, प्राइस अर्निंग्स रेशियो इंडिकेट्स वेदर वी शुड होल्ड ऑब्लिक बाय, एक ही बात है, अगर नहीं रहेगा तो बाय कर लो, रहेगा तो होल्ड कर लो, और सेल अ कंपनीज शेयर इफ पी रेशियो इज हाई, इफ पी रेशियो इज हाई, क्या बोलेंगे, सेल इफ पी रेशियो इज लो, तो क्या करें, बाय ऑब्लिक होल्ड, बाय ऑब्लिक होल्ड, ठीक है। ये जो भी हमने कंक्लूजन लिखा ये हमारे डिस्कशन के बेसिस पे लिखा, ठीक है। एंड इज इट द ओनली इंडिकेटर, नो, ये वन ऑफ द इंडिकेटर है, ठीक है। काफी कंपनीज ऐसी है जिनका पी रेशियो पहले 15 था, इंडस्ट्री का 17 था, अभी उनका 20 है, मत बेचो, 25 भी जा सकता है, 28 भी जा सकता है, क्योंकि उनका पोटेंशियल अभी बढ़ चुका है। कभी कभी ऐसा होता है कि 20 बहुत ज्यादा हो गया, तुरंत बेच दो, तो डिपेंड्स, समझा क्या क्या, पीई या पीवी, पी रेशियो जीरो कैसे होगा बेटा, जीरो पी रेशियो के लिए तेरा अर्न प्राइस ही जीरो होना चाहिए, समझा कि नहीं। और ये हाई या लो कैसे डिसाइड किया मैंने, 20 हाई है क्या या लो है क्या, ऐसे नहीं डिसाइड होता है, कंपनी का पास्ट क्या था देखना पड़ता है और इंडस्ट्री का क्या है देखना पड़ता है, वेदर इट इज हाई और लो। अभी जैसे 90 टाइम्स पी रेशियो रह सकता है, 90 टाइम्स कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो 90 टाइम्स पी रेशियो हाई है क्या, डिपेंड्स, पहले 110 टाइम रहेगा तो 90 टाइम्स तो लो चल रहा है ना, और इंडस्ट्री का अगर 100 टाइम्स रहेगा तो फिर तो और भी लो चल रहा है, तो इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स मेनली, आपका पास्ट पी रेशियो क्या था और इंडस्ट्री का क्या है, आपका पास्ट पी रेशियो क्या था और इंडस्ट्री का क्या है, ये देखकर आप डिसाइड करते हो कि आपका पी रेशियो हाई है या लो है। देखो पी रेशियो हाई है मतलब ही तुम्हारा ईपीएस कम है, अगर पी रेशियो ज्यादा आ रहा है ना तो इसके दो रीजन से, एक तो मार्केट प्राइस ऊपर है और अर्निंग कम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लॉजिक से सोचो ना, एमपीएस बाय ईपीएस, अगर आंसर ज्यादा आ रहा है इसका मतलब डिनोमिनेटर कम है और न्यूमरेटर ज्यादा है, तो मतलब ये ओवर वैल्यूड हो गया, बट ये वन ऑफ द इंडिकेटर है, हाँ, इसके साथ साथ मल्टीपल फैक्टर के साथ आप डिसाइड करोगे, ठीक है। चलो अभी इस डेटा से आप बताइए, आप पी रेशियो निकाल सकते हो क्या, आपको इस डेटा में क्या दिया है, लास्ट लाइन पढ़िए क्या लिखा है, मार्केट प्राइस पर शेयर 50 रुपीज, मतलब आपका न्यूमरेटर तो रेडी है भाई, ढूंढना क्या है, ईपीएस और आंसर निकालना है, ट्राई करोगे, करो, कैलसी पर ट्राई करना है तो करो या बुक में ट्राई करना है तो करो, जल्दी जल्दी ट्राई करो, यू हैव 1 मिनट टू ट्राई। निकाला सबने, ट्राई कर रहे हो, कितना
9.615. वन आंसर आई एम गेटिंग 9.615. 6.25. 11.7.62. 7.62. विभिन्नता में एकता, एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर. नाइन पॉइंट सिक्स वन फाइव इज द करेक्ट आंसर. कितने लोगों का आंसर आया था? 9.615. गुड वन. कम है बट ठीक है, कोई बात नहीं. 20% लोग रहेंगे. बाकी लोग मत कीजिए मुझसे एक्सपेक्ट आंसर. खुद देखिए, दिमाग लगाइए यार. इजी पार्ट है. कभी कभी मेन आंसर निकालने के लिए थोड़े अनवांटेड थिंग्स को बाहर निकालना पड़ता है. हिंट दे रहा हूं मैं आपको. बस क्वेश्चन की इतनी भी इज्जत मत कीजिए कि पूरा जानकारी यूज करके ही रहेंगे. डिस्कशंस नहीं चाहिए मुझे. जब आप आंसर डिस्कस करते हो तो तुम में से एक ही सीए बनता है. डन हो गया आंसर. चलो मेरी बारी. अब तक आपकी ट्राई करने की बारी थी, अब इसके आगे मेरी बारी है. अब कोई बात नहीं करेगा, सब लोग मेरे साथ जुड़ेंगे साथ में और साथ में सॉल्व करेंगे. ठीक है, रेडी है? देखियो भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल 20 ईच बोला है. क्या मिलेगा दोस्तों? नंबर ऑफ शेयर्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस कोई काम का नहीं है. सिक्योर्ड लोन 15% ऑन 25 लाख लेना पड़ेगा. 12.5% अनसिक्योर्ड लोन 10 लाख लेना पड़ेगा. अच्छा, आप इंटरेस्ट ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करते हो, वो इंटरेस्ट आप सिक्योर्ड लोन का माइनस करोगे या अनसिक्योर्ड? दोनों का माइनस करेंगे ऑब्वियसली. और फिक्स एसेट्स आपके कोई काम का नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स भी आपके कोई काम के नहीं है. प्रॉफिट ऑपरेटिंग वाला, यही तो आपका ईबीआईटी है. यहां से ही तो शुरुआत करना है. काम का है ये. इनकम टैक्स रेट इज गिवन, काम का है. ईपीएस तक पहुंचना है ना. यस, सिंपल. तो राइट देयर कैलकुलेशन ऑफ पीई रेशियो, ए विल बी EBIT कितना? 25,000 नहीं, लाख से. 25 लाख से. ठीक है. बी पार्ट विल बी इंटरेस्ट ऑन, यहां पे आएगा सिक्योर्ड लोन एट द रेट 15%, उसका अमाउंट 3,75,000 एंड अनसिक्योर्ड लोन एट द रेट 12.5%, उसका अमाउंट कितना? कितना? 1,25,000. मतलब टोटल इंटरेस्ट 5,00,000 है. ठीक है, 1,25,000. अब सी पार्ट विल बी ईबीटी, ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा 20,00,000. ऑल ऑफ यू विद मी? अब डी विल बी टैक्स एट द रेट 35% ऑन सी, कितना? 7,00,000 का टैक्स. E part will be earning after tax, C minus D, 13,00,000. सही है क्या? And F part will be number of equity shares
दैट विल बी 50 लैक्स डिवाइडेड बाय 20 इच, 2,50,000. एंड जी पार्ट ईपीएस इज ई डिवाइडेड बाय एफ, 5.2 का ईपीएस. एच पार्ट एमपीएस डैश गिवन 5050. देयरफॉर पीई रेशियो इज इक्वल टू जी सॉरी एच डिवाइडेड बाय जी 9.615 टाइम्स. 62 बोला तो भी चलेगा, 9.615 टाइम्स. रिमेंबर पी रेशियो इज ऑलवेज इन टाइम्स. मार्केट कितना टाइम्स वैल्यू देने को तैयार है, पी रेशियो इज ऑलवेज इन टाइम्स. इज दिस वेरी वेरी क्लियर ऑल ऑफ यू? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7. अच्छे से समझा क्या? फर्स्ट गो में जो भी लोग गलती कर रहे थे और मेरे साथ लिखने के बाद समझा है, आपको थोड़ा क्लैरिटी से सॉल्व करना है. आपको समझ गया कौन सा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, कौन सा है. क्वेश्चन की इतनी भी इज्जत मत करो कि पूरी जानकारी यूज कर कर ही रहेंगे. पूरी जानकारी यूज करना जरूरी नहीं है. कभी कभी जानबूझ के अनवांटेड आइटम्स ऐसे देते वो लोग और आपको एग्जाम में 9.615 का आंसर आ भी जाता है, बट आपका मन नहीं मानता इतना सब कैसे छोड़ दूं. फिर आप इसमें से कोई ना कोई चीज जैसे कि रिजर्व एंड सरप्लस ले ही लेते हो और फिर आपको लगता है हाँ आप बराबर है ना. मतलब आपने बिगाड़ा किया तो मन मान गया और फिर आप बोलते हैं हाँ आप मिल सकते हैं 7 मार्क, तब मिलता है 0. तो ऐसा मत होने देना. आप कभी भी कॉन्फिडेंस रखना खुद के अंडरस्टैंडिंग पर, ठीक है. इस चैप्टर के अंदर दोस्तों 3 पार्ट से हमने अब तक कितने थ्योरीज कवर किए? 2, ठीक है. मैं आपको चैप्टर का भी ओवरव्यू दे रहा हूं, आपके एक्स्ट्रा पेज पर आपको लिखना है, एक्स्ट्रा पेज के वहां पर लिखना है. पहले समझ लो फिर लिखना, स्पेस अच्छे से मैनेज करके लिखना. इस चैप्टर के अंदर जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर, इस चैप्टर के दोस्तों 3 पार्ट्स रहेंगे. फर्स्ट पार्ट विल बी कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्योरीज. कितने थ्योरीज रहेंगे? 4. ध्यान है सबका? कौन से 4 थ्योरीज है? एनआई, एनवाई. आप ऑब्वियसली आपके पास स्पेस नहीं है, आप ऐसे बाजू में लिखोगे. हाँ, एनआई, एनवाई, एमएम एंड ट्रेडिशनल. लिख दिया ना एमएम, एमएम एंड ट्रेडिशनल, ठीक है. समझ लो, पहले लिखना नहीं है, पहले समझना है. मैं आपको डिवाइडेशन बता रहा हूं चैप्टर का क्या है. इन चारों थ्योरीज ने क्या अज्यूम किया? नो प्रेफरेंस शेयर्स. बहुत सी चीजें अज्यूम की बट नो प्रेफरेंस शेयर अज्यूम किया. अब ये जो सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का, ये सेकेंड पार्ट में ऐसे कोई अजम्पशंस नहीं है, ठीक है. इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के एक्सपांशन वाले क्वेश्चंस. कैपिटल स्ट्रक्चर के एक्सपांशन वाले क्वेश्चंस माने कि क्या? आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में बहुत सी बार ऐसा इंफॉर्मेशन दिया रहता है कि कंपनी के पास प्रेजेंटली कौन से सोर्सेस से कितना पैसा आया है और अब कंपनी को कितने पैसों की जरूरत है. और एज अ फाइनेंस मैनेजर तुमको पूछते वो लोग कि बताओ हमारे पास ये पैसा जो एक्स्ट्रा लाना है एक्सपांशन के लिए वो कहां से लाए? हमारे पास प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, प्लान 4, ऐसे 4 प्लान है या 2 प्लान है या 3 प्लान है, वॉट एवर. अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंगली 1 करोड़ रुपया है, मुझे और 25 लाख की जरूरत है.
एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट मैं आपको पूछ रहा हूं 25 लाख पूरा डेट से लाओ या इक्विटी से लाओ, ठीक है? समझा कि नहीं? दोनों से नहीं जम सकता ऐसा, जो प्लान वो लोग देते वही चूज करना पड़ता है आपको। तो आपको ऑब्वियसली कुछ बेस में आपको दूंगा जिसके बेसिस पर आप उनको सजेस्ट करोगे। अगर एज अ कंपनी में आपको पूछ रहा हूं ये 25 लाख प्लान वन प्लान टू प्लान थ्री से लो, क्या प्लान वन में क्या है? डेट इक्विटी का 60-40 का कॉम्बिनेशन है। प्लान टू में क्या है? डेट एंड प्रेफरेंस का कॉम्बिनेशन है। प्लान थ्री में शायद 50-50 डेट इक्विटी है। तो तीन प्लान, समझ रहे क्या आप? तो आपको पूछा जाता है कि बताइए कौन से प्लान से एक्सपांशन करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्लास के कुछ गोल्डन रूल्स दूंगा, तीन गोल्डन रूल, कितने, जिनको यूज कर आप सॉल्व कर पाओगे ये कैटेगरी के क्वेश्चंस। एग्जाम में लिखना नहीं रूल, यूजिंग गोल्डन रूल, वो अकाउंटिंग वाला गोल्डन रूल नहीं है जो यूनिवर्सली सबको पता है, ये अपने पीएस के रूल्स है, ठीक है? और ये आपको इजीली बता देंगे कि क्या करना चाहिए, ठीक है? नाउ मार डाल उसको एक बार। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जो है ये है अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अब इसमें आप पढ़ने वाले हो मेरे साथ दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कितने, दो। पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का नाम है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल बीईपी पढ़ने वाले आप। आपने बीईपी पढ़ लिया है कॉस्टिंग में, बट वो था ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इस चैप्टर में। और दूसरी चीज जो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे मेरे साथ वो रहेगा इनडिफरेंस पॉइंट। क्या रहेगा? इनडिफरेंस पॉइंट। सर ये क्या होते हैं ये आपको उसी वक्त समझेंगे जब हम पढ़ेंगे, बट आपको बता दूं ब्रॉडली इस चैप्टर के ये तीन पार्ट्स है। अब ये जो लास्ट के दो पार्ट्स आपने देखे ना, इसमें ऐसा कोई अजम्पशन नहीं है कि टैक्स नहीं है या प्रेफरेंस शेयर नहीं है, हर चीज रहेगी। टैक्स भी आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर भी आ जाएगा, रियलिस्टिकली जो चीजें होती है सब आ जाएगी। जो आपने पढ़ा वो चार थ्योरीज के हद तक पढ़ा था अभी, इसमें से भी हमने कौन से थ्योरीज कवर किए थे? एनआई एनओआई अभी कवर होगा, ट्रेडिशनल अप्रोच अभी कवर होगा, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच की खासियत है ट्रेडिशनल अप्रोच पे कोई क्वेश्चंस नहीं आते क्योंकि उसके अंदर कोई चीज अच्छा, चलो आप ही बता दोगे ट्रेडिशनल सीखने के बाद कि क्यों नहीं क्वेश्चंस आ सकते, ठीक है? पहले ये लिख लो और स्पेस यूटिलाइजेशन अच्छे से करो। एक्स्ट्रा पेज जो है उसमें कम जगह में लिखो ये, क्योंकि एक्स्ट्रा पेज में और भी चीजें आएगी। दो पेज एक्स्ट्रा नहीं हो, अच्छा बीच में है, वहां पर मैं कुछ लिखाने वाला हूं। जहां पर भी एक्स्ट्रा पेज छूटा है आप सोचिए मत कि ऐसे ही दिया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम भी जानते हैं। क्या करना है? अच्छा ओके मैडम, दिस यू नीड टू राइट, एक मिनट रुको, वन सेकेंड। ऐसा है कि ये बुक शेयर होती है ना, तो ये बुक शेयर होती है तो ये जो चीज यहां लिखी है ये वहीं पर लिखना चाहिए मैंने भी, जहां पर वो होनी चाहिए। आई होप यहां से वहां पेस्ट हो जाए, आई एम डाउटफुल। यहां पर एक्स्ट्रा पेज पेज नंबर 73 पर है, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग 73 पर लिखना, ठीक है? नहीं 73 पर लिखना है आपको, पेज नंबर
73 एक्स्ट्रा पेज। ऋषभ बोल रहा है मैंने 56 पे लिख दिया है, कोई बात नहीं बेटा 56 पे जो लिखाऊंगा ना वो 73 पे लिखना पड़ेगा, फिर रेफरेंस बराबर दे देना और कुछ नहीं। क्या चल रहा है बराबर से लिख दिया आपने? कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज एनआई एनओआई एमएम एंड ट्रेडिशनल कैपिटल स्ट्रक्चर के एक्सपांशन के क्वेश्चंस जिसके तीन गोल्डन रूल रहेंगे, अकाउंटिंग के भी तीन है तो यहां पर भी तीन गोल्डन रूल बनाए मैंने। और लास्ट आता है आपका अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वन इज कॉल्ड फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, द अदर इज कॉल्ड एज इनडिफरेंस पॉइंट। चले आगे, होल्ड बाय और होल्ड, होल्ड होमवर्क लिख लिया ना सबने? आपका जो होमवर्क रहेगा टेस्ट है तो उसका और इसका क्या संबंध? 10 मिनट का होमवर्क रहेगा, 10 मिनट का, टू कीप द कंटिन्यूएशन 10 मिनट का होमवर्क रहेगा आपको। क्लास में आज उसके बारे में मेरे को बताना मत अगली बार से, ये लास्ट टाइम तो आपने बताया क्योंकि ग्रुप वन का ग्रुप टू का कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 विल बी योर होमवर्क। ध्यान दो, एक बहुत इजी क्वेश्चन है, सुन लो अच्छे से पहले। इन कंसीडरिंग द मोस्ट डिजायरेबल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ फॉर अ कंपनी द फॉलोइंग एस्टिमेट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर टैक्स have been made at various level of debt equity mix. आपके पास debt equity mix 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 दिया है, मगर debt as a percentage of total capital employed बोला है। कुछ समझा क्या? Debt as a percentage of total capital employed बोला है, इसका मतलब please इधर focus करो। ओ मैडम ध्यान दो, debt as a percentage of total capital employed बोला 10%, तो इक्विटी कितना बना? 90%। देने की जरूरत है क्या? कॉमन सेंस, अगर डेट एज ए परसेंटेज 50 है तो 50% इक्विटी है, बराबर है कि नहीं? इधर ध्यान दो, मैंने ये समझा रहा हूं ना बेटा, तुम्हारे लिए समझा रहा हूं ताकि घर जाके तुम ब्लैंक ना हो। उसी को पूछेगा घर जाके तेरे को समझा क्या, वो बोलेगा मेरे को भी नहीं समझा, तू बोला तेरे को भी नहीं समझा, दोनों नाचेंगे है ना, बोले प्रशांत सर क्या समझा दे, पता नहीं यार समझता नहीं है ना, उठा के होमवर्क दे दिया। एक ही हॉस्टल में रहते हो तुम? नहीं, इसलिए इतना दिल मचल रहा है क्या? ध्यान दे भाई, अब डेट का कॉस्ट दिया है दोस्तों, केडी है ये आपका केडी, एंड इक्विटी का कॉस्ट दिया है ये आपका केई है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स फॉर द कंपनी बाय कैलकुलेटिंग कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हाट इज कंपोजिट?
ओवरऑल, कंपोजिट इज ओवरऑल, मतलब KO ढूंढना है आपको कैसे। 13th क्वेश्चन में जैसे एक बार किया था वैसे हर लेवल पर करना पड़ेगा। ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स किसको बुलाओगे आप, जहां पर आपका KO सबसे कम आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स मतलब आपने अप्रोप्रिएट और ऑप्टिमम दो कंसेप्ट पढ़े थे। तो ऑप्टिमम किसको बोलते हैं, जहां पर KO सबसे कम, MPS सबसे ज्यादा और EPS सबसे ज्यादा होता है। याद आया थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बोला था अपने, MPS सबसे ज्यादा, EPS सबसे ज्यादा और KO सबसे कम। तो ऑप्टिमम वही होगा जहां KO सबसे कम होगा, KO सबसे कम चाहिए वो ऑप्टिमम है। कर लोगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16 को। अब ट्रेडिशनल अप्रोच पे आ जाइए जो कि बहुत इजी है, जिसके कोई स्टेप्स ही नहीं है। देखो यार, आज आपको भी पता है कि आपने कम से कम 25 मिनट्स वेस्ट हुए, तो मुझे 5 मिनट सिर्फ दे दो बस। अजम्पशन पढ़ो, देखो पढ़ना तो है। अब दो चॉइस है आपके पास, या तो खुश रहकर 2-3 मिनट में खत्म करो, या तो रो रो कर 5 मिनट में खत्म करो। आदत से मजबूर है, रो लेंगे हम बोले ना। तो पढ़ो एक बार पेज नंबर 43, अजम्पशंस फॉर ट्रेडिशनल थ्योरी। एवरीवन यू हैव द कॉस्ट ऑफ डेट KD ऑलवेज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, टिक मार दो, पता है आपने को। सेकेंड अजम्पशन को आप स्टार मार्क करोगे और वो बोलता है, सबका ध्यान है ना, वो बोलता है KD एंड KE वैरी विद द चेंज इन डेट इक्विटी मिक्स। बॉस पहला थ्योरी बोलता था दोनों कॉन्स्टेंट है, NI अप्रोच, NY ने एक को चेंज किया KE को और KD को कॉन्स्टेंट रखा, इसने तो दोनों को बदल दिया। ये बोलता है KD और KE दोनों वैरी होते हैं, इनके मुताबिक KE वैरी होता है सेम रीजन से। रीजन क्या था, डेट जैसे जैसे बढ़ेगा डैश रिस्क बढ़ेगा, फाइनेंशियल रिस्क और इक्विटी इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाएंगे। याद आया, ओके। अब वही सेम रीजन यहां पर भी है, KE बढ़ेगा बिकॉज डेट कंटेंट बढ़ेगा, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा, इक्विटी इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगे। बट ये लोग बोलते हैं तेरा कॉस्ट ऑफ डेट भी कॉन्स्टेंट नहीं रह सकता है, कॉस्ट ऑफ डेट भी तेरा बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा सर, कॉस्ट ऑफ डेट क्यों बढ़ेगा सर? बहुत सिंपल है, ये बैंक है, आप इक्विटी वाले हो, पूरा पैसा आपसे लिया था। ये लोग मेरे पीछे पड़ते थे, लोन ले लो, लोन ले लो, ऑल इक्विटी फंडिंग वाली कंपनी, और क्या चाहिए। हमने बोला ठीक है दे दो, क्या रेट से दोगे, बोले 9% से देंगे, प्लीज ले लो। हमने ले लिया 20%, अब डेट इक्विटी रेशियो बन गया 20-80, ओके। फिर ये लोगों के पास, हमको लगा अरे यार टैक्स बच रहा है, हमारा फायदा हो रहा है, सस्ते में मिल रहा है, रिटर्न्स ज्यादा है, फेवरेबल DFL, हमको सब बातें समझ गई। हमने इनसे अप्रोच किया, बोला और 20% दे दो, ये बोले हाँ सर ले लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हो गया 40-60, राइट। अभी तक रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9% ही है, क्योंकि ये लोग एकदम कंफर्टेबली लोन दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूं इनको और 20% दे दो, ये लोग सोचेंगे, बोलेंगे सर आपका बैलेंस शीट सबमिट करो, आपका ये सबमिट करो, आपके और टाइम लगेगा, सर प्रोसेस हो रहा है, रुको। और फिर जाके थोड़ा कंफर्ट जोन में आने के बाद ये लोग बोलेंगे सर ये ले लो, अब इसके आगे डेट मत बढ़ाना सर, ठीक है। हमने, हमारा रेशियो हो गया 60-40। अब इसके, ये 60-40 के पहले आपका KE बढ़ना चालू हो गया थोड़ा थोड़ा। अब इनसे और लोन जब मैं लूंगा ना, लोन मांगने जाऊंगा ना, तो ये लोग बोलेंगे सर कर क्या रहे हो सर, 60% डेट है, अब और अगर लोन लेंगे तो पैसा हमारा ही ज्यादा इन्वेस्टेड रहेगा सर, आपका खुद का पैसा कम इन्वेस्टेड रहेगा, आपका ही बिजनेस है और हमारा पैसा ज्यादा है, मतलब रिस्क भी हमारा ही ज्यादा हो जाएगा। और दुनिया का रूल जो है वो बैंक्स के लिए भी तो अप्लीकेबल रहेगा, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स। तो ये लोग बोलेंगे सर हमारा रिस्क बढ़ रहा है तो हमारा रिटर्न भी बढ़ाओ, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। सर एक्स्ट्रा लोन चाहिए तो 13%, सर 9% से नहीं दे सकते, सॉरी सर। हम बोलेंगे ठीक है दे दो। अब और 10% लोन मांगने जाए तो ये लोग हमारे को एंटरटेन भी नहीं करेंगे जल्दी, और अगर मांगा ही
और स्पेसिफिकली दिया भी, जो कि प्रैक्टिकली भी दे नहीं सकते ये लोग, बट फिर भी अगर देंगे तो ये लोग 13% पे नहीं देंगे, 20% पे देंगे, क्योंकि इनका रिस्क और बढ़ रहा है ना। ये भी तो बैंक के देखता है कितना पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया, कितना ओनर ने इन्वेस्ट किया। इनको सेफ कब लगेगा? जब ओनर का पैसा ज्यादा है, समझे कि नहीं। तो कैन वी से केडी कांस्टेंट रहेगा बट एक लेवल तक, जहां तक ये लोग कंफर्टेबल है आपको लोन देने में। उसके बाद केई कंटिन्यूअसली क्या होते जाएगा, केडी सॉरी केडी केडी कंटिन्यूअसली क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। केडी एक लेवल तक कांस्टेंट रहेगा फिर बढ़ेगा। केई क्या होगा, केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी जैसे डेट लिया वैसे धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगा। अब इसका डायग्राम जो आएगा ना वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो आपके नोट्स में ड्रॉ किया हुआ है, दिख रहा है क्या आपको? आपका केडी ये देखिए कांस्टेंट है, पेज नंबर 44 पर मिला क्या आपका जो केडी है वो कांस्टेंट है एक लेवल तक, उसके बाद वो बढ़ रहा है। कैन यू टेल मी ये वो लेवल डेट इक्विटी का क्या रह सकता है? ऐसा लेवल जहां पर आपके डेट वाले कंफर्ट जोन से बाहर आ गए, फिर भी आप लोन मांग रहे हो बेशरम की तरह, तो ऑब्वियसली बैंक वाले बोलेंगे फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा भाई, समझा कि नहीं। आपका केई क्यों बढ़ रहा था ये तो बोलने की जरूरत नहीं आपको, केई बढ़ रहा था भाई बिकॉज फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रहा है, इसलिए केई बढ़ रहा है। तो आपको इस थ्योरी को तीन फेजेस में डिवाइड करना है। ये फेज वन है, ये वाला जो है ये फेज टू है, और लास्ट वाला फेज थ्री है। सिर्फ फेज वन को देखो, नीचे केडी कांस्टेंट है, ऊपर केई लगभग कांस्टेंट है। कौन से थ्योरी में हुआ था ऐसा? नीचे केडी कांस्टेंट, ऊपर केई कांस्टेंट, है ना अप्रोच? सबका ध्यान है क्या? इधर स्ट्रेट बैठो और सब लोग ध्यान दो, नीचे केडी कांस्टेंट, ऊपर केई कांस्टेंट जैसा है, तो ये कौन सा अप्रोच बन गया? तो फेज वन लिखो वहां पर, एनआई अप्रोच। फेज वन किसके जैसा दिख रहा है? एनआई अप्रोच। इसलिए तो आपका केओ जो है वो नीचे नीचे आ रहा है, दिखा क्या? फिर फेज टू पर फोकस करो, नीचे केडी कांस्टेंट है फेज टू में और ऊपर केई बढ़ना शुरू हो चुका है, एनओआई अप्रोच जैसा हो गया। और फेज थ्री इंडिविजुअल है, ये कोई अप्रोच जैसा नहीं है, बिकॉज फेज थ्री में अगर आप देखोगे तो नीचे केडी बढ़ रहा है ऊपर केई भी बढ़ रहा है। ऐसा तो पहली बार ही हुआ ना ट्रेडिशनल में, ऐसा तो पहली बार ही हुआ ट्रेडिशनल में। अब आपका केओ का ऑब्जर्वेशन करना है आपको, आपका केओ फेज टू में मिनिमम पॉइंट इधर दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या केओ क्या हुआ? फेज टू में नीचे नीचे आया, मिनिमम लेवल पे आया और फिर ऊपर गया। सर मगर एनओआई अप्रोच में तो केओ कांस्टेंट रहता है सर, केओ क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है सर। यहां पर तो कांस्टेंट नहीं है, नीचे आया मिनिमम टच किया फिर ऊपर गया, तो वो जितना स्टार्ट ऑफ द स्टेज था उतना ही एंड ऑफ द स्टेज आया, जितना स्टेज के स्टार्टिंग में था केओ उतना ही एंड ऑफ द स्टेज भी केओ आया। रीजन क्या था? वो नीचे क्यों गया फिर ऊपर क्यों गया? जस्ट इमेजिन करो कि केओ फॉल हो रहा है, अचानक से कांस्टेंट हो सकता है क्या? केओ फॉल हो रहा था बिकॉज डेट चीपर सोर्स था और इक्विटी ऊपर सडनली नहीं बढ़ रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो केओ सेकेंड स्टेज में भी थोड़ा नीचे आया। बाद में जब केई ज्यादा स्पीड से बढ़ा तब केओ पे इंपैक्ट आया और केओ स्लाइटली बढ़ा, तो केओ नीचे जाकर मिनिमम पे टच कर ऊपर गया है। केओ जितना स्टार्ट ऑफ द स्टेज था उतना ही एंड ऑफ द स्टेज है, बीच में उसका मिनिमम पॉइंट आया था और फिर थर्ड स्टेज में आप देख सकते हो आपका केओ क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है कंटिन्यूअसली। क्यों इंक्रीजिंग है केओ थर्ड स्टेज में? केई बढ़ रहा है, नीचे केडी बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली दोनों का कॉम्बिनेशन ही केओ होता है, तो केओ तो बढ़ने ही वाला है, समझे कि नहीं। और तो और केओ किसके नजदीक जाने की कोशिश करेगा? केई के, क्योंकि केई का बढ़ने का स्पीड ज्यादा होता है, तो केओ में इंपैक्ट किसका ज्यादा रहेगा? केई का, ऑल ऑफ यू। अब ये जो मिनिमम पॉइंट है ना, केओ का मिनिमम पॉइंट इस चैप्टर के स्टार्टिंग से कल से अपन क्या बुला रहे हो उसको, केओ जहां सबसे कम होता है उस पॉइंट को आप क्या बुला रहे हो? ऑप्टिमम पॉइंट। क्या बुला रहे हो? ऑप्टिमम पॉइंट।
तो ये मिनिमम पॉइंट जहां पे क्यू सबसे मिनिमम है वहां पे लिखो क्यू इज मिनिमम दैट इज ऑप्टिमम पॉइंट, वहां पर वैल्यू ऑफ फर्म क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ फर्म सबसे ज्यादा रहेगा ऑप्टिमम पॉइंट पे, सबसे ज्यादा वैल्यू रहेगा। क्यों रहेगा सर, V का फॉर्मूला क्या है, S प्लस D के अलावा EBIT अपॉन Q, याद आया कि नहीं, तो अब बोलो Q सबसे कम रहेगा तो V सबसे ज्यादा रहेगा कि नहीं। आई होप आपको समझा है, ये वहां लिखा नहीं, आपको लिखना है Q इज मिनिमम दैट इज ऑप्टिमम पॉइंट वेयर वी इज मैक्सिमम, वेयर वैल्यू ऑफ फर्म इज मैक्सिमम, वेयर वैल्यू ऑफ फर्म इज मैक्सिमम, और उस पॉइंट को हम बुलाते हैं ऑप्टिमम पॉइंट। वहां पर वी मैक्सिमम क्यू है, मैंने उसको मैथमेटिकली प्रूव किया, बिकॉज वी इज इक्वल टू ईबीआईटी बाय क्यू, व्हेन क्यू इज मिनिमम ऑटोमेटिकली वी बिकम्स मैक्सिमम। आई होप यू अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर कौन सा होमवर्क के लिए, 16 आपका होमवर्क है। थैंक यू वेरी मच फॉर 8 मिनट एक्स्ट्रा, थैंक यू सो मच, बाय बाय। एक मिनट।